certain principles to uphold, and he's not going to fold on those. He's not going to be influenced. ये एक इमेज बनती है, पता है, एक जैसे वीडियोस ही जब हम देख रहे थे तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि यू हैव बीन होल्डिंग सो मेनी टॉप पोजीशंस इन दिस कंट्री, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट्स या कुछ भी, और उन पोजीशंस पे आपके पास अप्रोचेस आते हैं या आपके पास फेवर्स के लिए डिमांड आती है, कई बार वो जेन्युइन भी होती है, कई बार आपको लगता है कि इट विल ब्रेक the rule या it is not right thing to do. तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि उस केस में what did you do? The answer was so beautiful by our honorable ex-president, former president I meant. तो he said कि you have to develop your own brand. What I mean to say is Saurabh in his personal life, in his professional life, or in general, any person for that matter, Gaurav, Saurabh, or all the other participants, they are going to have their own brand in the sense ki this person has certain principles which he follows in his life and he is consistent on them. तो वो ब्रांड जब आपकी बनती है वो आपके एक्शंस के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, वो आपके बिहेवियर के थ्रू, आपके स्पीच के थ्रू, आप हाउ डू यू इंटरैक्ट, हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, पब्लिक इन जनरल, उससे आपकी एक इमेज बनती है, एक परसेप्शन बनता है. तो वो जो ब्रांड होता है वो आपको हेल्प करता है कि एपीजे अब्दुल कलाम सेड कि यू हैव टू डेवलप योर ओन ब्रांड एंड दैट ब्रांड हैज टू बी सो स्ट्रांग सो that you uphold it every day, every time throughout your career, that you are not going to be influenced by anything. He फिर वैसे approaches आपके पास आए ही ना, वो आने से पहले ही आपसे आप तक पहुंचे ही ना, because they themselves will know कि this person will not deviate from his principle. So Parvez, I am saying ब्रांड इज इन दिस एंड सी, जो मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया कि हाउ डिड यू मेंटेन योर इंटीग्रिटी, कि आप कैसे मना करते थे कोई आपकी तरफ, मान लो कोई जो काम नहीं करना चाहिए, मान लो उसकी डिमांड आती है आपके पास, आप उसको कैसे मना करते थे, डिनाई करते थे, तो वो एक तरीके से उनका रिप्लाई ये था कि इफ यू डेवलप योर ओन ब्रांड इन द सेंस दैट आपके प्रिंसिपल इन जनरल, आपके वैल्यूज इन जनरल, लोगों को पता है कि दिस पर्सन विल नॉट डू एनी करप्ट थिंग, विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग यू पुट इट टू हिम, ही विल नॉट कम टू यू, ही विल नॉट इवन अप्रोच यू, सो दिस इमेज विल हेल्प यू. तो इस तरीके के जब एग्जाम्पल आप क्वेश्चंस में ऐड करते हो, मान लो एक छोटा सा पैराग्राफ ही ऐड कर दिया जब आपसे पूछा गया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ करप्ट फ्री इमेज इन द सिस्टम इन विच करप्शन इज सो एम्बेडेड, सो हाउ आर यू, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो तब यू कैन ब्यूटिफुली स्टार्ट योर आंसर विद एपीजे अब्दुल कलाम्स कोट दैट व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय हिम ही रिप्लाइड इन दिस सेंस. क्विकली यू हैव इंटरलिंक्ड, क्विकली यू हैव अप्लाइड योर माइंड कि दिस एग्जाम्पल इज वेल सूटेड हेयर एंड यू हैव डायरेक्टली फायर्ड इट विद योर एग्जाम्पल. ये मैं आपको बोल रही थी. तो इन छोटी छोटी क्लिप्स और वीडियोस को इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम कि आप ऐसे लवासना की या और भी टॉपर्स की वीडियो, जो आई डोंट नो इफ इट इज हेल्पिंग यू और नॉट, या कई बार उसका नेगेटिव परसेप्शन आपके दिमाग पे भी पड़ता है, इसके अलावा आप ऐसी वीडियोस देखो जहां से आपको एग्जाम्पल्स इकट्ठे हो रहे हैं और विच यू कैन अप्लाई ऑन देम. आई होप यू नाउ गेट माई कंसेप्ट परवेज, कि मैं आप जस्ट आपको ये बोल रही हूँ कि आप जगह जगह से एग्जाम्पल करके कैसे उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, ये चीजें फिर आप अपने डेफिनेशंस के साथ ऐड कर सकते हो. देन ऑब्जेक्टिविटी, कि कैसे आप लॉजिक और फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हो. डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, empathy, tolerance, compassion. तो ये जब जितने भी keywords हैं इनको अलग अलग लिखो और उनकी definition बनाओ. ठीक है, aptitude in general आपका होता है intellectual competence. Attitude थोड़ा permanent तरीके का होता है. Intellectual competence मतलब क्या इस बंदे को
प्रोफेशनल नॉलेज इस सब्जेक्ट की, इस जॉब की है या नहीं है, वो अटेन हो सकती है, लेकिन आपकी जो वैल्यूज इन लाइफ हैं, जो आप अपहोल्ड करते हो, क्या वो आप चेंज कर सकते हो? क्या किसी पर्सन की जो करेक्टर के जो मेन वैल्यूज हैं, क्या आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो? तो ये इसमें की डिफरेंस था। तो ये जब हम कीवर्ड्स हम अंडरलाइन सर्कल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इनको अलग अलग करके डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल साथ साथ लिखेंगे। और ये मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में बता दिया, ये आप कैसे करने वाले हो, बुक से, आपके मॉक टेस्ट के मॉडल आंसर से, टॉपर्स कॉपी से, न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर मैगजीन से, साइंस, चाहे वो किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल हो, ठीक है? देन योर EI, इस पे हर साल या तो इसकी डेफिनेशन पे आ जाएगा, उसकी यूटिलिटी पे, और उसके गवर्नेंस में कैसे एप्लीकेशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। आपकी इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी, उसको आप कैसे कैसे करोगे, जैसे स्कूल ऑफ फिलोसफी करके चैनल है, फिर आपके और भी, जैसे व्हाट इज द राइट थिंग टू डू बाय माइकल सैंडल, ये आप देख सकते हो। फिर आप इन जनरल फिलोसफर्स को यूट्यूब पे या उनके कंसेप्ट्स को यूट्यूब पे देख के एक तरीके से वो बना लो, जैसे अंबेडकर जी के ये कंसेप्ट है, विवेकानंद जी के ये कंसेप्ट है, ठीक है, रूसो ने ये बोला है, मार्क्स ने ये बोला है, कांत ने ये बोला है, बेंथम ने ये बोला है, जो भी आपको मेन मेन थिंकर्स फिलोसफर्स लगे उनके आप कीवर्ड्स बनाए। आप इनको करने लगोगे, आपके पास रेलेवेंट मटेरियल और रिकमेंडेशंस में आता रहेगा। दिस इज हाउ AI इज वर्किंग। पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास इन गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। कंसाइंस मतलब आपका पर्सनल, और रूल्स कब कब आपको एथिकली गाइड करते हैं, लॉज कब कब गाइड करते हैं।